गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद सोमवार को पपरवा टांड फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सीपू सोरेन उपस्थित थे। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने का जो सपना हेमंत सोरेन और उनके सरकार के सहयोगियों ने देखा था, उसे हम सबको पूरा करना है। कहा, भाजपा वाले झारखंड की असीमता को खत्म करना चाहते हैं। झारखंड को बचाने के लिए आप सभी को इंडिया गठबंधन को मजबूती देना होगा। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, अपना हक मांगने पर भाजपा वाले लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार से मांगा गया तो उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य में जनहित की कई योजनाओं को चलाया है, मगर भाजपा और उनके सहयोगी जनता को गुमराह करने का उन योजनाओं को अपना बता रहे हैं। उन्होंने जनता को बहकावे में नहीं आते हुए आगामी लोकसभा और गांडे विधानसभा के उपचुनाव में जनता के हित में काम करने वाली सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन अंसारी, बादल पत्रलेख, बेबी देवी, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, मिथिलेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, विधायक नलिनी सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, विनोद सिंह, इरफान अंसारी, सुदिव्य कुमार सोनू, अनूप सिंह आदि ने भी संबोधित किया। के रगों में आंदोलनकारी का खून है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ जाए, चाहे वो किसी भी समाज से आ जाए, और इस आंदोलनकारी खून को आप सबों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है। इस लोकसभा चुनाव में 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें आपको इंडिया गठबंधन को देकर के मजबूत करना है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में जो रहते हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उसके लिए सौतेला बच्चा है, सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है झारखंड में यही होता है। आपके हेमंत दादा ने केंद्र सरकार से मांगा कि 1,36,000 करोड़ दे दीजिए, मेरा इतने वर्षों से मांगा, अपना हक मांगा, इसलिए जेल चले गए, क्योंकि 1,36,000 करोड़ अगर उन्होंने दे दिया होता तो झारखंड की आज कायाकल्प कुछ और ही होती। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? अभी आप लोग पूरा साज ढाक करके बिल रखा है, कोयला अंचल में एक मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए काम कर रही है, 2 दर्जन भी पूंजीपति नहीं होगा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। या देश के लिए नहीं, न प्रदेश के जनता के लिए नहीं, उसका कोई योजना नहीं है। श्री बिहार का ये पूंजीवादी को आजीवन के एक दिन लीज दे देगा, इस तरह का तैयारी करके रखा है। और उसमें राज्य सरकार और यहाँ का जमींदाता का कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए सावधान आप लोग रहिएगा। झारखंड को बचाना है तो महागठबंधन को आपको मजबूती के साथ इस चुनाव में आपको देना, ये लोकतंत्र को खत्म करने का उनका सोच है, संविधान को बदलने का सोच है। क्यों 400 पार ये कहते हैं, एक रूथार मेजोरिटी ला के संविधान को संशोधन करने का सोच है। ये 2000 जो पूंजीपति है उन पूंजीपति के हित में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए कभी भी उनका आज कोई मुद्दा लेके नहीं, न कभी बेरोजगार की, न महंगाई, न अच्छा काम करने का सोच। बात सामने रख के गारंटी क्या चीज का गारंटी, उसका कोई
मैनी नहीं है वो लोग का, झूठ बोलने का गारंटी भी हो सकता, जुमला बात का भी गारंटी हो सकता, उनका कोई गारंटी का अर्थ नहीं। यहां पे पिछले 2019 में जो विधानसभा का चुनाव का समय बड़ा जोर से लगा था नारा, क्या नारा लगा था, 65 पार 65 पार, जैसा लगता है इसला 80 पहुंच जाएगा ना का, लेकिन रुक गया 25 में। हम लोग रुक दिया, हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ा था, आज सरकार महागठबंधन का हम लोग बना लिया है। और इस बार भी ये जो दो चरण में चुनाव हो गया, वो लोग आवाज हो गया, ये भी 400 पार का नारा उन लोग का कमजोर पड़ गया है। जो लोग कहता था ना 400 पार, जैसे लगता है इसलिए 543 है ना कर दिया ना क्या है, इसलिए ये लोग ऐसा ये बहुरूपिया है, ये लोग इस तरह से राजनीति करता, मानसिक को इस तरह से भावना को चेंज करने के लोग नाराज से काम कभी किया नहीं है। इसीलिए जहां बोलते थे 400 पार 400 पार, जैसे लगता है 553 हो जाएगा ना कहो, ये 150 नहीं पार करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा भारत का जनता, इस प्रदेश का जनता, भारतीय जनता पार्टी के उनका असली रूप को समझ लिया। कभी महंगाई के नहीं, कभी बेरोजगार का बात भी नहीं करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी कोई गांव है कोई क्षेत्र में वोट मांगने का अधिकार नहीं है, इतना बड़ा धोखा दिया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब के साथ बड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे।